भी लगा आपने क्लिक करने वाला था। देख लो हम लोग पढ़ रहे हैं एल सर्किट। इस बार जो ईएमएफ का सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है। इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर लगा हुआ है। मुझे बताना है कि अगर वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसमें करंट का इक्वेशन क्या होगा। हम लोग पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स अप्लाई करोगे तो ये वोल्टेज हो गया वी, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, इनका सम जीरो किरचॉफ्स लॉ। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और आगे जो काम किया है वो सिर्फ इंटीग्रेट कर लिया। देखो इस एल को यहाँ ले आए डी आई इंटीग्रेशन के साथ दोनों साइड। आप क्या किए, जो वी है ये वाला वी, ये वी क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लिए साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। इसके बाद कॉस ओमेगा टी को ओपन कर दिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इस माइनस साइन को अंदर लेके चले गए और उसी को फॉलो करते गए। देखो वी नॉट बाय एक्सएल, एक्सएल को क्या ही लिखा है ओमेगा एल, राइट। और एक रेजिस्टेंस ऐसा काम करेगा इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी मैं आगे लिखवाता हूँ इसे। और वी नॉट अपॉन एक्सएल को आई नॉट बोलेंगे और इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन करंट का बन के तैयार हो गया है, ठीक है। एक्सएल को मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे बच्चे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, कॉपी करो। अब आगे देखो हम लोग के पास वोल्टेज का और साथ में यहां मैं लिख देता हूँ दूसरी चीज करंट का इक्वेशन मिल चुका है। करंट के लिए क्या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। एल सर्किट में अगर वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा होगा तो करंट का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज करंट से लीड कर रही है, कितने एंगल से, पाई बाय टू, है ना। दूसरी चीज हम लोग क्या दिखा देते बच्चे, क्या बनाते हैं, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि एल सर्किट में वोल्टेज और करंट को सेम एक्सिस पे कैसे प्रेजेंट करें, ठीक है। वोल्टेज और करंट को सेम एक्सिस पे हमें प्रेजेंट करना है। तो तीसरा पॉइंट लिखो, प्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑन द सेम एक्सिस। देखिए अभी देख लो, पहले प्लीज आप लोग देख लो, सुनो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए तो यही ग्राफ बनेगा साइन का, क्लियर सर। दिस इज वी नॉट और ये पाई बाई टू है, पाई है, थ्री पाई बाई टू है और टू पाई टू है, ये तो क्लियर है सर। जरा सोचो बच्चे करंट के बारे में, अगर मैं इसको जीरो लिखता हूँ हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, यानी निगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है। और जब ये पाई बाई टू होगा जीरो, तो कितना हो जाएगा जीरो, इनसे एक ग्राफ ऐसे जाएगा, समझ रहे, देख लो इसको। ये हो गया किसके लिए, करंट के लिए, है ना। ठीक है, और इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये लॉन्गिट्यूड वाइज कुछ डिवाइड है तो इसको ऐसे कर लो, कम कर दे, हाँ ठीक है। जैसे आए तो रेड वाला आपको क्या हो गया करंट के लिए और ब्लू वाला वोल्टेज के, ठीक है।
एक ग्राफ बना लो, ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट ऑन द सेम एक्सिस। बंद नहीं कर तीसरी चीज हो गई, फोर्थ पॉइंट क्या लिखते थे, हम लोग देखेंगे फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस फाइव की बात है, ये फेज डिफरेंस क्या होता था बच्चे, सर हमें देखना है कि वोल्टेज का फेज क्या है और करंट का फेज क्या है और हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनमें जो डिफरेंस है बच्चे, ये डिफरेंस कितने का है, पाई बाय टू का, देख लो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। सो हम करेंगे तो ये फाई आएगा पाई बाय टू, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एल सर्किट। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू, लिख सकते हैं वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू। और लीड का मतलब समझ रहे हैं, लीड का मतलब सिर्फ ये है, यहां मैं बोला हूं कि वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय टू, तो यहां लीड का मतलब होता है कि वैरी तो दोनों कर रहा है, वोल्टेज भी और करंट भी, तो वोल्टेज पहले मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा और करंट बाद। देखो इसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो ये पहले मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया और उसके बाद पाई बाई टू बाद फिर करंट अचीव किया है, ये मीनिंग होता है लीड का, ठीक है। तो ये चौथी चीज होगी, और क्या पढ़ते थे, फेजर डायग्राम है ना, ये भी देख लो फिर फेजर डायग्राम। हम लोगों ने सीखे थे कि यहाँ वोल्टेज और करंट को एज अ फेजर क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं और फेजर क्वांटिटी को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है, जैसे वेक्टर का एडिशन होता है सबट्रैक्शन होता है, वैसे ही फेजर क्वांटिटी को भी हम ट्रीट करते हैं। तो मैं फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, एल सर्किट में वोल्टेज और करंट को देखो, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे वोल्टेज की, तो वोल्टेज का इक्वेशन देखो, मैग्नीट्यूड कितना मैक्सिमम V नॉट, तो दिस इज V नॉट, दिस वन इज V नॉट, ये हो गया मैग्नीट्यूड वोल्टेज की मैक्सिमम, यानी वोल्टेज एम्पलीट्यूड ही बोल सकते हैं, ठीक है, या पीक वोल्टेज। कितना एंगल है बच्चे, ओमेगा टी, ये वाला एंगल देखना, ये वाला ओमेगा। अब बात कीजिए करंट की, तो करंट के लिए हाँ जो एंगल है वो ओमेगा टी में से पाई बाय टू कम है, ठीक है, ये हो गया आई नॉट और ये हो गया नाइन, इससे पाई बाय टू पीछे, ठीक है। ये हो गया फेजर डायग्राम किसके लिए, एल सर्किट के, ठीक है यहाँ तक पावर सर्किट। अच्छा सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखते थे, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पी और एफ, कॉस फाइव को बोला जाता था, बताओ आप ही लोग कॉस फाइव कितना आया था, पाई बाय टू, तो पावर फैक्टर जीरो, तो एल सर्किट में पावर फैक्टर जीरो होगा। अब इन दोनों का आप कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं पावर लॉस के बारे में। पावर लॉस देखिए, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हमें पढ़ते थे, पंद्रह रख कर दो इसको बता देते, इक्वल टू वी आई टू वी नॉट साइन ओमेगा टी
लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा, जैसा ही आएगा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, चाहो तो यही लिख रहा हूँ ना साइन, ऐसा कुछ था ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही था ना बोलो ठीक। इसको इसके लिए जब ग्राफ बनाते हैं तो देखो क्या होगा, ए पावर नीचे टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव ऐसा ग्राफ है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव ऐसा ग्राफ है, बात कुल मिला के ये हुई ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स ओवरऑल जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा जीरो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एल सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज वाटलेस सर्किट, देखो कंप्लीट साइकिल में पावर लॉस जीरो, मीन्स इंडक्टर आइडियली किसी तरीका का कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो एल हाँ एल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटलेस सर्किट, वाटलेस सर्किट कैसा सर्किट है वाटलेस सर्किट, यानी किसी तरीका का ओवरऑल कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा। देखो कंप्लीट साइकिल में देखा जाए तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट पावर लॉस कितना जीरो, ठीक है। तो ये हमने सेवेंथ के सेवेंथ पॉइंट यहाँ भी डिस्कस कर लिए हैं एल सर्किट में। सी सर्किट में भी वही था वाटलेस, तो आइए हम लोग सीखते हैं एल सी आर सीरीज सर्किट, मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर। अब ये तीनों एक ही बार सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तब हम लोग सीखेंगे कि वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होगी, पावर लॉस कैसे निकालेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका हेडिंग है एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। देखिए बच्चे आपके पास इंडक्टर है कैपेसिटर है एंड रेजिस्टर है, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ का। इंडक्टर के लिए एल से सिंबल है और कैपेसिटर को सी से और रजिस्टर को आर से। वोल्टेज का जो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देखना बच्चे अगर मैं बात करता हूँ इंडक्टर की तो इंडक्टर हो कैपेसिटर हो या रेजिस्टर, ये तीनों अगर सीरीज में लगा हुआ है तो इन सब में करंट तो सेम ही होगी, हाँ वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इनका रेजिस्टेंस क्या है, कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। मीन्स एक्सएल क्या है इसके जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको लिखेंगे एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये तो है ही resistance. इसके क्रॉस दो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होंगे, दिस इज VL VC एंड VR, ठीक है। इन सबसे जो करंट होंगे ये करंट सबसे सेम ही है बच्चे, कितना अगर मैं I ली देता हूँ यहाँ भी करंट I है, अगर मैं एक्सल की बात करूँ तो यहाँ भी I नॉट, यहाँ भी I नॉट
और यहाँ भी इन सब में करंट तो सेम ही है, क्लियर है। इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, मैं अलग से फेजर डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज और करंट है एज अ फेजर क्वांटिटी ट्रीट होंगे, मीन्स इनका जो एडिशन होगा बच्चे वो वेक्टर की तरह होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए, सर्किट को समझने के लिए हम इन तीनों का फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये दिख रहा है, तुमने दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही में बना दूं, एक ही में बनाते हैं ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे R के लिए, R के लिए वोल्टेज है VR और करंट मैं लिखा हूँ मैक्सिमम कितना है I0, ऐसा ही होगा। चलो ऐसा वाला बना देते हैं, जो पहले अभी सीखे थे ना वो बना देते हैं। हो गया VR और सॉरी सीखे थे वैसे सीखे थे, जैसे जो ओमेगा टी और ये हो गया वी आर और ये हो गया आई नॉट, ये हो गया किसके लिए फोर आर सर्किट, ठीक है फेजर डायग्राम। इसी तरीके से बच्चे मैं बात करता हूँ फेजर डायग्राम किसके लिए, सी सर्किट के लिए। तो सी सर्किट के लिए दिस इज वी सी, इस वन इज ओमेगा टी और इस वन जो करंट होगा, करंट होगा बच्चे कैसा ऐसा ओके आई नॉट इसे लीड बाय पाई बाय टू, किसके लिए फोर सी सर्किट, क्लियर है। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं एल सर्किट की, यहाँ बनाता हूँ। ये बच्चे वी एल ओमेगा टी और इसमें अगर करंट की बात करते हैं तो ये लैग करता है कितने से, पाई बाई टू से, दिस इज आई नॉट। करंट के लिए सब में मैंने आई नॉट लिखा है, पर्पस ये है ये शो करना कि आइदर इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या रेजिस्टर हो, ये तीनों सीरीज में है, इट इज वेरी क्लियर कि इन सबसे करंट तो सेम ही होंगे, ठीक है। हाँ वोल्टेज सब में अलग अलग है, ये अलग मैटर है, लेकिन सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होंगे। इन सब के इंडिविजुअली मैंने पहले फेजर डायग्राम बना लिया। फेजर डायग्राम बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सब को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ही बार में चाहता हूँ कि वो ज़्यादा आसान रहेगा, मैं यहाँ बना लेता हूँ फाइनली, यहाँ दिख रहा है ठीक है, यही बना लेते हैं, एक ही बार में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि दो बार में मुश्किल है। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि इसे एज इट इज यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया बच्चे वी आर एंड दिस इज आई नॉट एंड दिस वन इज ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ किसके लिए, तो सी सर्किट के लिए। सी सर्किट में बच्चे ऐसा कुछ है, देखो ये करंट है ये वोल्टेज है, तो इसके लिए अगर बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि करंट सब में सेम ही है तो इसको ना मैं थोड़ा ऐसे रोटेट करके बना दिया, ऐसे कोई दिक्कत। देखो ये करंट है, इस करंट को इसके साथ ओवरलैप करा दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। तो जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो रेड वाला आई नॉट था ना, तो रेड वाला फिर से आई नॉट का भी काम करेगा और इस बार जो वोल्टेज होगा वो उससे पाई बाय टू पीछे चला और ये हो जाएगा बच्चे वी सी,
कोई दिक्कत बताओ? नहीं सर, ठीक है ना ये बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं इंडक्टर के लिए। इसमें कुछ ऐसा है, देखो इसमें ऐसा है, ये देखो पाई बाई टू एंगल है ना, मैं एज इट इज रखता हूं और इसे ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। करंट इस पे लाई कर रहा है, एक साथ हो गया करंट सब में, ब्लू वाला भी यहाँ पर है, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो इसे पाई बाई टू वी एल, और ये एंगल है पाई बाई टू। सबके लिए अभी ऐसा ही हो गया। देखो अगर मैं रजिस्टर को देखता हूँ ओमेगा टी वोल्टेज के लिए और ओमेगा टी करंट के लिए, अगर मैं कैपेसिटर को देखता हूँ तो ओमेगा टी है ना, तो वोल्टेज उससे पीछे है। इंडक्टर को देखता हूँ तो ओमेगा टी करंट के लिए है तो वोल्टेज उससे पाई बाई टू आगे है। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही सो हो रहा था, तो बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब मैं इन सब को ओमेगा टी से रोटेट कर रहा हूँ, कितना एंगल से ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी एंगल से रोटेट करूंगा, आप देखना यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक बोर्ड दिख रहा था, ठीक है बस कोई बात नहीं, बस यहीं तक। ओमेगा टी से अगर मैं रोटेट करूंगा बच्चे, तो देखो ये ओमेगा टी एंगल से रोटेट होगा तो आई नॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगा और वी नॉट भी उसी पे आ जाएगा। तो ये है बच्चे आई नॉट और साथ में वी आर और साथ में आई नॉट, ये दोनों एक ही एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया। बात करते हैं वी एल की, तो ये ओमेगा टी से अगर रोटेट होगा तो देखो ये एंगल भी ओमेगा टी ही है, कितना ही है ये, तो ये ओमेगा टी से रोटेट होगा तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा, तो वी एल आपको ऐसा मिलने वाला है, दिस इज वी एल। और ये एंगल देखो वर्टिकल या अपोजिट, ये भी कितना है ओमेगा, तो ये ओमेगा टी से रोटेट होगा वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा वी से, ठीक है। बात ये हुई इन सब के लिए आई एक ही पे है, ठीक है ना। अब बात सिर्फ ऐसी हुई कि देयर आर थ्री वेक्टर्स वीएल वीआर एंड वीसी, तीन वेक्टर है, मुझे इसे ऐड करना है, ट्रायंगल मुझे आती है, तो क्या करते हैं कि किसी दो को पहले ऐड कर लो, उसको एक बना दो, फिर तीसरे के साथ आसानी से ऐड हो जाएगा। तो अगर थोड़ा देर के लिए सोच लो कि VL इज ग्रेटर देन VC, VL माइनस VC कर देंगे। अच्छा अब इसके बाद मैं चाहूंगा, उधर तो जगह नहीं है, यहां से देखिएगा ये R के लिए था, C के लिए था और ये L सर्किट है ना, 4 L सर्किट, और इसके बाद इसको कंबाइन करके हमने यहां पर बनाए थे, इन तीनों को एक ही एक्सिस में बनाए, फिर ओमेगा टी एंगल से रोटेट कर दिया, कुछ ऐसा मिला। अब देखो अब इसके बाद यहां लिखने के बाद मैं फिगर नंबर दे दूं, आसान रहेगा आगे समझने के लिए। फिगर नंबर 1, यह है 2 और यह है 3 और इसी ऑर्डर में यह है 4, इसके बाद यह हो गया 5th और अब जो बनाने जा रहे हैं वो है बच्चे 6th। ये रहा फिगर नंबर 6, ठीक है। इसमें देखो क्या बनाने जा रहे हैं, VL ऐसा बच्चे, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि VC छोटा है VL बड़ा है, तो नेट निकालने के लिए VL माइनस VC, ठीक है, और VR इस पे जैसे VR इनके बीच में एंगल कितना है 90 और इसी पे करंट भी है या I नॉट, ठीक है। मैं तो वोल्टेज को ऐड कर रहा हूँ, वेक्टोरियली मैं वोल्टेज को ऐड करने वाला हूँ,
दो वेक्टर VR और VL माइनस VC, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो याद करो, इसको आप ट्रीट करो एज अ ए, इसको ट्रीट करो एज अ बी, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। और थीटा कितना, सॉरी, 90 डिग्री। इनको ऐड करना आसान है ना? कुछ ऐसा चला जाएगा, पैरोग्राम लगा लो। तो ये कुछ आपको ऐसे ये जो मिला बच्चे, ये आपको V नेट मिल गया, नेट वोल्टेज क्या होगा, और नेट जो वोल्टेज होगा, जो A और B का जो सम होगा, अगर वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो वेक्टर A वेक्टर B का जो सम होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इसको बोलेंगे हम, वोल्टेज का सम है तो रिजल्टेंट वोल्टेज बोलेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज सपोज दैट फाई एंगल बना रही है करंट के साथ, या हॉरिजॉन्टल या इनिशियल वोल्टेज के साथ, मैं बोलता हूँ इनिशियल जो वोल्टेज था या पहला जो वोल्टेज है VR, इसके साथ नेट जो वोल्टेज है वो फाई एंगल बना रही है। पहली चीज हम बात करते हैं कि ये V नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर, बताओ बच्चे, सर VL माइनस VC का प्लस में हो गया आंसर, यही होगा ना। तो ये हो गया आपको नेट वोल्टेज, दिख रहा है यहाँ तक बेगो के लोग? हाँ सर दिख रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, तो देखो वो ये वी नॉट जो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे वी वी इक्वल टू आई आर, तो आई नॉट और एक्सएल आया ना, इसी तरीका से माइनस, इसको डालता हूँ थोड़ा सा, क्या लिखूंगा, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर और आई नॉट आर का स्क्वायर। कोई परेशानी है तो बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी एल के प्लेस पे मैंने लिखा आई नॉट एक्सएल, देखो ना, वी इज इक्वल टू आई आर, ये है करेंट, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, क्या बोले, इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट वी सी के प्लेस पे क्या लिखा था, आई नॉट एक्स सी, आई फॉर मैक्सिमम करेंट, आई नॉट फॉर मैक्सिमम करेंट, एक्स सी बोलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, और वी आर के प्लेस पे आई नॉट आर, तो ये आई नॉट को माना जाए। हाँ, अब मैं इन सब आई नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ तक ठीक है सर? बिल्कुल सर, ठीक है, दिख रहा नीचे भी है? हाँ सर दिख रहा, नहीं सर नीचे नहीं है, यहीं तक अभी रखो, यहाँ तक दिख रहा है ना? यस, यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लो, एक लाइन और एक लाइन आ जाएगा, लिख सकते हैं? हाँ सर यहाँ आ जाएगा। तो V नॉट इज इक्वल टू बच्चे इन सब में I नॉट बाहर आ जाएगा, I नॉट को बाहर निकाल दो, I नॉट का स्क्वायर क्या बचेगा, रूट से बाहर निकाल दो, नहीं यही रहने दो, XL माइनस FC होल स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ऐसा है प्लस में R का स्क्वायर, ये पूरे ये रूट है, ठीक है? नहीं बिल्कुल सर, ये आई नॉट, और फाइनली लिखूंगा यहाँ एक और लिख देता हूँ, आई आई नॉट बार रूट अंडर क्या मिल गया, एक्सएल माइनस एक्स, हाँ एक्सएल माइनस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर माइनस प्लस वी आर का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, दिख रहा? तो आप लोग भी पहले यहाँ तक कॉपी करो, हम लोगों ने वी नॉट यानी मैक्सिमम क्या वोल्टेज होगा अक्रॉस एल सी एंड आर, तो आई नॉट स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई नॉट देखो बाहर में कॉमन निकाल दिया है, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये मेरी बात यहाँ तक हो गई। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मिला,
सुनिएगा ध्यान से, ये जो वी नॉट आया है मैं एक बार और लिखता हूँ, वी नॉट फाइनली क्या है बच्चे, आई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस में, यही है। अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना, ये क्या सा काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और यहाँ जो रेजिस्टेंस है बच्चे, इसका नाम है, मैं सिंबॉलिकली जेड से लिख रहा हूँ, इस पूरे के नाम पर क्या लिख रहा हूँ, जेड, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। मैं लिख देता हूँ, मीन्स वी नॉट अपॉन आई नॉट, क्या मिल गया आपको, जेड, और इस जेड को बोला जाता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है। या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एल यानी कि एक्स एल एक्स सी और आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल टू जेड, ये दोनों एक ही चीज है। RMS voltage, RMS current, तो ये एक ही बात आएगा, है ना। और अब जरा देखते हैं कि इंडिविजुअल हमने देखे थे कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे, सिर्फ इंडक्टर होता तो करंट क्या करता, लैग करता, कैपेसिटर होता तो करंट लीड करता। अगर इनके कॉम्बिनेशन होंगे तो करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा, ये तय होता है कैसे, जरा इसको देखते हैं। देखो अभी जो आपने रिजल्टेंट निकाले, ये वी नॉट करंट से फाई एंगल आगे है, देखो है ना, मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये फाइव, इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले वोल्टेज बना देखो फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो, थोड़ा आसान हो जाएगा। यह रिजल्ट है वी नेट, और ये रहा तुम्हारा वी आर, एंड दिस इज, ये रहा बच्चे वी एल माइनस वी आर, ये बात क्लियर है, बोलो, यस ठीक। और इस एंगल को आपने फाइव बोला, अब देखो, और इसी पे आपका करंट भी है ना, करंट भी इसी पे है। और अगर मैं लिखता हूँ टेन फाइव, क्या आएगा सर, ये वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, देखो आप कैसे पहचाने, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ, हाँ, तो हम बोलेंगे कि इस बार वोल्टेज लीड कर रही है, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो करंट लीड कर रही है। इफ मैं लिख देता हूँ, इफ टेन फाइव इज पॉजिटिव देन करंट वोल्टेज लीड्स, है ना, वोल्टेज वी नेट लीड्स, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, नहीं सर, लीड्स थोड़ा पास तक दिख रहा, पॉजिटिव देन वी नेट यानी नेट वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है, वोल्टेज लीड करेगा करंट। अब दूसरी चीज, इफ टैन फाइव इज नेगेटिव then voltage lags behind current, then voltage lags behind, ये दिख रहा है अंदर, yes sir, दिख रहा है current, ठीक है, तो उस केस में voltage क्या करेगा, lag करेगा, current ही नहीं होगा।
अगर ये पॉजिटिव आया तो वोल्टेज लीड करेगा, अगर नेगेटिव आया क्लियर की बात। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ से क्या है कि अगर VL ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव आएगा और VC ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा। VL ज़्यादा हुआ तो VL ज़्यादा वाला में क्या आता है, VL वाला में वोल्टेज लीड कर रहा है और C वाला में करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो कॉपी करो इसे। देखिए हम लोग ने यहाँ तक सीखे कि अगर एल सी आर, एल सी और आर ये तीनों सीरीज में होंगे तब रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हमने इम्पीडेंस नाम दिया है। रेजिस्टेंस को लिखते हैं और जेड का मतलब क्या है, यहाँ देखो जेड का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसी को इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है ये ट्रायंगल मैंने आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से कब वोल्टेज लीड करेगा कब करंट लीड करेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वोल्टेज लीड करेगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो करंट लीड करेगा। ठीक है, अब और आगे सीखते हैं। देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस इस तरह कर देखें, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ सिर्फ फाइव, देखो तो वी एल था वी एल माइनस वी सी, इसको मैं लेता हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी, दिस इज आर एंड दिस वन इज जेड, तो इसको बोलेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल या इम्पीडेंस। ठीक है, इस ट्रायंगल में टेन कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या होगा, कॉस फाइव हो जाएगा आर बाय जेड, आर बाय जेड। कॉस फाइव को क्या बोलते हैं बच्चे, याद करो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इस कॉम्बिनेशन का पावर फैक्टर क्या होगा वो भी बता सकते हैं कैसे, आर बाय जेड। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर गिवन होगा तो इस ट्रायंगल के हेल्प से, अदरवाइज ये डिटेल के बने तो इस डिटेल के हेल्प से आप कॉस फाइव बता सकते हैं आर बाय जेड। ठीक है, तो ये भी लिखा इम्पीडेंस ट्रायंगल और ये बना, इम्पीडेंस ट्रायंगल से आपको पावर फैक्टर निकालने में हेल्प मिलेगा। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल, हाँ देखो मैं लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस। तो आपने यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन में एक तरीके से देखा जाए तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सीखे, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा इसे डिसाइड हो जाएगा, पावर फैक्टर इसे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आगे चीज पढ़ने जा रहे हैं, आपका हेडिंग है रेजोनेंस। ठीक है, देखो ये रेजोनेंस वाला केस क्या है, देखिएगा इन सीरीज एल सी आर सर्किट इफ इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी देन सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस, देन सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस एंड इन दिस केस करेंट इज मैक्सिमम इन द सर्किट, करेंट इज मैक्सिमम इन द
सर्किट। रेजोनेंस के केस में करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज सब पे आते हैं, वोल्टेज भी होगा, ठीक है। आई नोट आर सुनो, लेकिन हमने क्या बोला कि सर्किट में रेजोनेंस कम होता है तो आंसर है जब XL XC के बराबर हो, या बोले VL VC के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बोलूं कि XL XC के बराबर है या बोले कि VL VC के बराबर है, तो VL को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू I बोलो ओमेगा L, सॉरी XL ना, I XL और इसको I XC, यहां से वही बात फिर आ गई, XL इक्वल टू XC, ठीक है। देखो XL इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, XC। XL याद करो ओमेगा L, और XC याद करो वन अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और बोले तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन एल सी, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस। अगर सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी तो सर्किट क्या चीज करेगा, रेजोनेंस में हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब है कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, सुनो तो रेजोनेंस का मीनिंग है वह यूँ कि जो VL है वो VC के बराबर हो गया, और अगर ये बराबर होगा तो जरा देखो Z क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो गया तो Z किसके बराबर, R के बराबर। मेन सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करेगा, ये दोनों कंबाइंडली जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। किस केस में, अगर सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन एल सी के बराबर हो, तो उस केस में ये दोनों रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार करेगा। तो जाहिर सी बात क्या हुई, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट कितने हो जाएंगे, देखो अब आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, यानी कि भी बाय कुल मिला के अगर वी नॉट लिखूंगा तो मैक्सिमम करंट हो जाएंगे, वी आर लिखूंगा वी आर एम एस लिखूंगा तो आर एम एस करंट हो जाएंगे, पर जो भी होगा पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ जेड कम हो गया तो आए बढ़ गया, ठीक है। तो आप लिखो पहले फिर आगे देखते, देखो अब इससे पूछा जाए कि फेज डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे। मेंस सर्किट रेजोनेंस में है तो फेज डिफरेंस क्या होगा बताओ, सर फार्मूला होता है टाइम फाई का, बता दे इसको, बताओ फार्मूले से पहले देखो। तो फेज डिफरेंस के लिए टाइम फाई क्या होगा बच्चे, सर हाँ वी एल माइनस अपॉन में क्या ही है जीरो, देखो ना बी एल बी सी बराबर ही हो गया ना इस बार, यस सर, तो जीरो हो गया, तो फाई कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर सर्किट रेजोनेंस में होगा तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे या इन फेज होंगे, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होने वाला, जीरो, मीन्स वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज, इन फेज हो, ठीक है। चलो इसमें मैं ग्राफ भी आपको दिखा सकता हूँ रेजोनेंस के केस में, कॉपी करो पहले, ठीक है। तो हमने आज
कोयल से सीरीज सर्किट में भी नेट कैसे निकालेंगे, है ना, इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, और इफेक्टिवली फेज डिफरेंस क्या होंगे, वोल्टेज करंट में कौन लीड करेगा, लैग करेगा, ये सारी चीज़ें किस में डिपेंड करेगी, है ना। और फिर हमने सीखे क्या, रेजोनेंस वाला केस। और ये रेजोनेंस जब हो जाएगा बच्चे, ये तो बिल्कुल आर सर्किट जैसा बिहेव करेगा, है तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों, लेकिन बिल्कुल नेचर कैसा हो जाएगा, आर सर्किट जैसा, ठीक है। और इस केस में ऐसा होने से अगर सोर्स की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो इतनी हो जाती है, तो उस केस में करंट एकदम से हाई होगा, करंट एकदम से हाई होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते थे, कैसे लिख दो फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC, ये ना ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी निकालने के, ठीक है। तो इसके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज ही क्लास को क्लोज करते हैं, डेट क्या था, 26 और 26 देता हूँ डेट, याद रहेगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब।